अन्य पॉलिसीज में भी हो, लेकिन ये फैकल्टी की समस्या कैसे समाधान हो, ये हम सबके सामने चुनौती बनी हुई है। और मैं अपने चिकित्सा शिक्षा के जो मंत्री हैं आशुतोष जी से और संदीप जी से बात इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि लोग प्रयास करें, आयोग इस पूर्ति को कर पाएगा। मुझे लगता है कि उसको 10 साल लग जाएंगे, तब तक इसमें से अधिकतर कॉलेज बंद हो सकते हैं। इसलिए प्रयास हो कि एक वर्ष के दौरान हम इस सब की पूर्ति कर सकेंगे, सब में 70% फैकल्टी हो और वहां पर जो भी हमारा मेडिकल छात्र जाए उसके सामने या एनसीआई की तलवार उसके सामने लटकती भी नहीं दिखाई दे। एक प्रयास उसमें हम लोग एक विशेष प्रयास हमको करने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाना पड़े, चाहे जो भी प्रयास हम लोगों को करना होगा हम लोग उसके लिए करेंगे। और पूरा प्रदेश इस दिशा हम लोगों के सामने चैलेंज है। जो कुछ हम लोगों ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है हम उसकी पूर्ति तो करेंगे, और हम लोग इस बारे में हमारा प्रयास होगा कि जो बातें यहाँ पर सामने आई हैं, यहाँ पर हमारे कुलपति जी प्रोफेसर विकांत जी ने कुछ बातें कही हैं, एक तो केजीएमयू जैसा संस्थान को एम्स की तर्ज पर हम विकसित कर सके, एम्स जैसी सुविधाएं देने का कुछ प्रयास हुआ है, राज्य सरकार चाहेगी। मैं आशुतोष नंदन जी से कहूंगा कि इस बारे में वह एक पूरा तैयार कर लें, विधानमंडल के साथ क्योंकि यह हमारे संकल्प लोक संकल्प कल्याण लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुरूप होगा। हम इसको अगर कर पाएंगे तो उस प्रतिस्पर्धा के योग्य हम लोग बन पाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने इन संस्थानों को कैसे जोड़ें। देश और दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, कौन से नए शोध हो रहे हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको कैसे हम यहां लागू करें, और फिर जो यहां पर है और प्रदेश के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कैसे हम लागू कर सकें, इसके बारे में मुझे लगता है ये संभव है। थोड़ी सी प्रयास की आवश्यकता है और उसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। अगर आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एक अभियान आपके स्तर पर चल जाएगा तो हम लोग कुछ वर्षों में उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि दुनिया में कहीं भी जहां भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने इसे अचीव किया है हम उसके साथ जोड़ें। परंपरागत रूप से ठीक है वो चली आ रही है पद्धति, उसको तो हम लोग नहीं नए के साथ कैसे इसको आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में भी अवश्य हम लोग एक तो प्रयास कर लेंगे, अच्छा एक अच्छी स्थिति इसमें पैदा हो सकती है। और कैसे हम सस्ती दवा उपलब्ध करवा सकें इसके बारे में भी व्यापक जागरूकता। मुझे लगता है कि पहले हम लोग जब छोटे थे बचपन में थे तो हम डॉक्टर के पास अगर कभी बीमार हो गए तो डॉक्टर सबसे पहले हम लोगों को साफ सफाई के बारे में कहता था, आज तो डॉक्टर पूछता ही नहीं, आज तो वह जाएगा देख करके चुपचाप जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को देख करके उनको दवा लिख के छोड़ देगा, यानी एक मिनट भी बात नहीं करता मरीज से डॉक्टर। जबकि एक डॉक्टर को चाहिए कि वह किसी मरीज के साथ 2-3-4 मिनट उससे बातचीत करें, उसकी पूरी हिस्ट्री देखें, उसके बारे में फिर प्रयास करें। इसमें हम लोगों ने देखा है जो अच्छे डॉक्टर हैं वह इस बात को पूरा रिकॉर्ड रखते हैं अपने आगे के शोध के लिए, उनके कब कोई कोई पेपर को पब्लिश करना तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। और केजीएमयू जैसा चिकित्सा विश्वविद्यालय आने वाले समय में अपनी प्रतिष्ठा के रूप अपना नाम करने वाला है, तो उसके लिए तो यहाँ पर जो भी हमारा फैकल्टी है उसको इस रूप में बनना पड़ेगा। एक एक मरीज की प्रकृति को देखना, उसकी बीमारी के बारे में जानकारी रखना, उसको रिकॉर्ड के रूप में रख करके फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि जो विशिष्ट हो। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, गोरखपुर में एक डॉक्टर हुआ करते थे डॉक्टर सरकारी, उनके द्वारा प्रयास होता था, वो सारे रिकॉर्ड रखते थे और कभी कभी तो मरीज से खरीदते थे उसके रिकॉर्ड को, कहते थे कि इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसका पैसा तुम्हें अलग से दे दूंगा क्योंकि ये मेरी जांच का विषय होगा आगे मेरे शोध का, मुझे जो इससे पेपर पब्लिश करके उस विषय मेरे लिए उपयोगी होगा। हम क्यों नहीं कर सकते, हम केवल रटी रटी बातों के साथ अपने आप को जोड़ दें
ये अच्छी स्थिति नहीं। हम अपने स्वयं के इस कार्य के साथ धोखा कर रहे हैं और अल्टीमेटली धोखा देश के साथ होगा, अपने 125 करोड़ की आबादी के साथ होगा, क्योंकि आपकी एक विशिष्ट सोच वह देश को ही नहीं दुनिया को लाभान्वित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। मैं देख रहा हूं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती है, वहां पर जापानी इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। मैं बहुत लड़ा, किसी प्रकार से 2005 में उसका वैक्सीन आया। वैक्सीन आने के बाद जब जापानी इंसेफ्लाइटिस को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया तो पता लगा कि जो नई बीमारी अब है वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है और आज तक उसका कोई टीकाकरण विकसित नहीं हो पाया। स्वच्छता अभियान के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी के प्रति जागरूकता पैदा कर सकें और इस प्रकार के जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं इसके बारे में भी लोगों को बता सकें, क्योंकि सफाई रहेगी तो इस प्रकार की स्थितियां तो नहीं हो सकती। वेक्टर बॉर्न डिजीज से तो काफी हद तक बचा जा सकता है और जागरूकता इसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनसे वहां पर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से मौतें हो रही है, लगातार मौतें होती। मैं सोचता हूं पिछले 4-5 दिन से लखनऊ में भी इस प्रकार के मरीज आने प्रारंभ हो गए हैं। इसके आसपास के लोग आए होंगे, पूरी गोमती नदी पूरी प्रदूषित है। मैं गोमती रिवर फ्रंट को देखने के लिए एक दिन चला गया, मैं सोचता था कि बहुत अच्छा पानी होगा, वहां आचमन करूंगा और उन्होंने वहां पर फुहारा चलाए हुए, लेकिन जब मैं वहां जैसे मैं नीचे उतरने के लिए जैसे मैंने झांका देखा, मैंने एकदम गंदा नाले से पत्थर था, यानी नाले में भी पानी बहता हुआ जाता है, लेकिन वहां की स्थिति देख करके मैं तासुब कर रहा था। ये स्थिति है, आप कैसे अनुमान कर सकते हैं कि जो जल हम सबके जीवन का आधार है, जो नदियां हमें शुद्ध जल देती थी उन सबको हमने प्रदूषित कर दिया है, उसमें जल है ही नहीं, कितनी खराब स्थिति है। और शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो अनुमान करते हैं कि आप स्वस्थ रख पाएंगे किसी को, दवा से सब स्वस्थ हो पाएंगे, संभव नहीं है। हम उसके प्रति जागरूकता पैदा करें, लोगों को बताएं शुद्ध पेयजल के बारे में बताएं, जहां पर ऐसी स्थिति नहीं वहां पर क्या करेंगे। ये सब मुझे लगता बड़ा कार्य आप इस मामले में कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि केजीएमयू ने जो एक प्रयास प्रारंभ किया है, इतना बड़ा सेटअप आपका है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और प्रदेश के अंदर बहुत कुछ आपके द्वारा हो सकता है। हम लोग इन सब बातों को भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय है तो सभी मेडिकल कॉलेजेस इसके साथ क्यों नहीं संबद्ध हो सकते हैं, इसके बारे में क्या पाठ्यक्रम के बारे में ये सब जानकारी होनी चाहिए, कैसे होगा, कैसे एक सूत्रता इन सब में आएगी, एक समरूपता कैसे आ सकती है, इसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। और शेष अन्य जो भी कार्य इस क्षेत्र में आगे किए जाने हैं उन सब के बारे में हम लोग, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, आप सबका सहयोग इस मामले में लेंगे। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री दोनों से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अंदर एक बेहतर टीम बना करके टीम वर्क के साथ अगर हम पूरे प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ करें, एक टीम भावना के साथ एक आप लोगों का पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ होगा तो संभव है हम उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान कर सके। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने अपना एक रोडमैप तैयार किया है, हमारे प्राथमिक, हमारे सामुदायिक, हमारे जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध पहुंची है। वहां पर विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत वहां पर पीएससी खड़ी हो गई है, सीएससी खड़ी हो गई, मतलब चिकित्सक ही नहीं है। मैं एक दिन गया था एक सीएससी का, मैं अचानक गया था, एक धार्मिक कार्यक्रम था, मैं उसी कार्यक्रम में गया था तो एक बगल में एक सीएससी था, अच्छी बिल्डिंग थी। मैं सोचता था कि यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, मरीज होंगे, मैं जब गया वहां तो कोई नहीं था, वहां जाने लगे हुए थे, बदबू आ रही थी। मैंने पूछा बदबू कैसे,
तो एक गरीब किसान आया सामने, उसने कहा साहब बिल्डिंग वैसे ही पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ मुर्गी पालन का काम शुरू कर दिया। अब ये स्थितियां हैं, लोगों वहां डॉक्टर नहीं है, वो मुर्गी पालन का काम कर रहा है। मैंने वहां से सीएमओ को फोन किया, मैंने कहा भाई यहाँ पे ये कैसे क्या हो रहा है। उसने कहा था वहां चार डॉक्टर हमने पोस्ट किए हैं, कोई नहीं आता। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे MBBS करने के बाद जाने वाले छात्र हैं, कम से कम 2 साल दें उनका उम्र, उन BSc को CSC के लिए। जो यहां पर BC के बाद निकलते हैं सुपर स्पेशलिटी के लिए, जाने के पहले कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में दें, हमारी BSc CSC ठीक हो जाएगी। जो सीनियर डॉक्टर होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से फिर वो बेहतर सेवा दे पाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज में लोड कम हो पाएगा। नहीं तो BRD मेडिकल कॉलेज में क्या है, एक बेड में 4 मरीज लेटते हैं, बड़ी खराब स्थिति होती है कभी कभी। इधर तो काफी लड़ झगड़ करके हम लोग वहां सुविधाएं दिए हैं, लेकिन पहले क्या स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, बड़ी बदबू थी, बेड ही नहीं थे, बेडशीट नहीं थी। कोई व्यक्ति किसी को बेड मिला है, किसी को गद्दा मिला है, किसी को बेडशीट मिला है, और लोग अलग अलग लेते हैं। एक व्यक्ति बेड में अपना बिस्तर बिछा करके लेटता था, एक गद्दा बिछा करके लेटता था, एक बेडशीट लेकर के एक कोने में लेटता था। आप सोचेंगे कि वहां के पीडियाट्रिक्स वार्ड की, जब मैं 1998 में पहली बार वहां भ्रमण करने के लिए गया, मुझे बताया गया कि इंसेफ्लाइटिस के मरीज हैं, तो वहां का पूरा टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से, कहा साहब 12 सालों से कोई वहां गया ही नहीं। ये स्थिति थी कॉलेज। आज तो हम लोगों ने बहुत सुधार कर दिया है, बहुत सुधार हुआ है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी आ गई। लेकिन केवल एक बार थोड़ा प्रयास हो कुछ करने का, कि मैं केवल अपने लिए नहीं, एक डॉक्टर को बनाने के लिए सरकार जितना पैसा खर्च करती है, अगर थोड़ा सा प्रयास उसके स्तर पर भी प्रारंभ हो, कि पैसा इसलिए खर्च हो रहा है कि मैं भी जिस जनता ने सरकार चुनी है उस जनता के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, तो फिर लगता है नहीं बनेगी। और उस दिशा आप सबका सहयोग हम लोग चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि जैसे KGMU को बनाने के लिए टीम भावना के साथ आप सबने कार्य किया है, इसको और आगे बढ़ाने में आप योगदान देंगे। मैं प्रोफेसर विकांत जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये जीवन रक्षण के लिए आवश्यक जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं यहाँ पर, जो आज स्थापित किए 56 नए वेंटिलेटर्स यहाँ पर दिए हैं, इस दिशा और सार्थक प्रयास यहाँ पर होगा। और आने वाले समय में भी करें, कोई उपकरण खरीदें तो प्रयास करें कि 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक वह अनवरत अपनी सेवा वहां के मरीजों को दे सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष उसके एनुअल मेंटेनेंस की भी व्यवस्था हमारे स्तर पर होती रहनी चाहिए। इन सत्यों के साथ एक बार पुनः आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके लिए आप सबको